मेडिटेशन की बात करूंगी मैं आज। मेडिटेशन हमारे दिमाग और विचारों पर किस तरह से प्रभाव डालती है, जिसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेडिटेशन की आज मैं बात क्यों कर रही, क्योंकि जब हम इस भागती दौड़ती जिंदगी में बहुत थकान हो जाती है या फिर मसल जो हमारी पुल होने लग जाती है, तो ये मेडिटेशन करने से हमारी बहुत सारी समस्याओं से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। ये हमारे विचारों को, दिमाग पर ध्यान को केंद्रित करने और पुनर्निर्देशित यानी कि दोबारा से जो है उसको एक डायरेक्शन देने के लिए और उसको प्रशिक्षित करती है, यानी वो डायरेक्शन मिलती है, दोबारा से कमांड मिलती है, तो वो अच्छे से एजुकेशन से लेकर के मेडिटेशन कर पाते हैं। लगातार मेहनत में बीच में अगर गैप ले गई मेडिटेशन का, तो बहुत ही लाभकारी आपके लिए रहती है। और मेडिटेशन की जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके साथ स्वास्थ्य के लाभ की पूछ की बात नहीं करते हैं। मेडिटेशन करना इतना गुणकारी है कि लोग इसे अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं, यानी जो यंग जनरेशन है वो इसको बहुत समझ रही है, क्योंकि आज इंटरनेट के इस्तेमाल ने बहुत ज्यादा लोगों को दिमागी तौर पर थका दिया है। कई लोग तो मेडिटेशन को अपने तनाव को कम करने के लिए, एकाग्रता विकसित करने के लिए भी करते हैं। आज मैं आपको मेडिटेशन के ऐसे कुछ खास फायदे आने वाली जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर तो बनाएंगे, साथ में आपके लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, आपके विचारों को भी उत्तम बना सकते हैं और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में आपके सहायक होंगे। सबसे पहला फर्स्ट नंबर पॉइंट बात करूं तो तनाव को कम करता है। तनाव जो है छोटी छोटी बातों पर आपने देखा होगा, आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं, तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, वहीं से मेडिटेशन की शुरुआत होती है। मानसिक और शारीरिक स्तर पर अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है तो भी जो है इसको भी ठीक करता है। तनाव से हमारे शरीर में कई बार बहुत हानिकारक प्रभाव होता है, जैसे कि हमारी नींद, उदासी, चिंता और हमारे रक्तचाप यानी ब्लड सर्कुलेशन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। मेडिटेशन से ये खराब स्थितियाँ जो है ठीक होती है, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्ट्रेस डिसऑर्डर आदि शामिल है जो आपको ठीक करते हैं। ये देखिए, ये अगर प्रॉब्लम अगर आपके साथ होती है तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है चिंता को निर्देशित करना, यानी चिंता को नियंत्रित करना है। चिंता आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो स्वस्थ जीवन शैली में चिंता का कोई भी स्थान नहीं है। मेडिटेशन करने से विकार के लक्षण जो है कम तो होते हैं, जैसे कि फोबियास हो जाते हैं, किसी को घबराहट के दूर पड़ जाते हैं, पल्स हाई हो जाती है या फिर मन में अशांति रहती है, तो ये मेडिटेशन उसको दूर करती है, अलग अलग तरह के भय को समाप्त करती है, टेंशन से चिंता और तनाव को दूर करती है। थ्री पॉइंट है नंबर थ्री, आत्म जागरूकता, यानी खुद से जो जागरूकता देता है इस मेडिटेशन के कुछ में, आप अपने आप को एक मजबूत समझ विकसित करने में मदद मिलती है। इससे आप अपने आप को अच्छे स्वभाव में स्वरूप में विकसित कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम खुद को ही अपने आप को नहीं जान पाते, वो भी जो है हमें इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। और चौथा पॉइंट क्या है, नींद में सुधार करता है। ज्यादातर लोग नींद ना आने की वजह से परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती। एक अध्ययन किया गया है यानी थ्योरी के द्वारा ये बताया गया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें अच्छी नींद लेने में भी सफल हो जाते हैं, और रात को बिस्तर में करवटें नहीं बदलनी पड़ती और कुशल बनते हैं मेडिटेशन में या फोकसिंग या भागने के विचारों को भी नियंत्रण करने में सहायता प्राप्त होती है। इसको आप दोबारा से डायरेक्शन दे सकते हैं, दोबारा से कमांड दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम लगातार थका देते हैं शरीर को तो हमारा शरीर एक टाइम के बाद कमांड लेने से मना कर देता है, जो अक्सर नींद न आने का कारण बनता है। शरीर को आराम देता है, मुक्त कराता है, आपको शांति प्रिय स्थिति में रखने में आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ जो खास बात है नंबर पांच पॉइंट, की बुरी आदतों को छोड़ने में मदद करता है। मेडिटेशन हमें बुरी आदतों को छोड़ने में मदद कर सकता है, किसी को ड्रग एडिक्शन है, शराब की आदत है, या फिर बार बार जुआ खेलना, सट्टा, लॉटरी, पैसा लगाना, ये सब चीजें हैं, तो ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, दोबारा से कमांड मिलती है और अपने भावनाओं यानी
इमोशन और जो अपनी स्थितियों पर हम कमांड कर सकते हैं यानी नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि हम नशे की लत के कारण समझने में असहाय थे, अक्षम होते हैं। नंबर 6 पॉइंट, आचरण में दयालुता लाता है यानी आपके व्यवहार में एक नम्रता लेकर के आता है। ये आपको दूसरों के प्रति सकारात्मक भावना जगाता है। बेटा एक तरह का मेडिटेशन होता है जो दयालु विचारों और भावनाओं को विकसित करता है। उससे जो है आप दूसरों के साथ अपने बिहेवियर को भी अच्छा कर सकते हैं और दूसरे भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं। फिर इसके बाद नंबर 7 का पॉइंट है ध्यान अवधि बढ़ती है यानी इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान करना यानी सोचने समझने की ताकत भी बढ़ती चली जाती है। उदाहरण के लिए 8 सप्ताह के एक मेडिटेशन के अध्ययन में पाया गया है कि प्रतिभागियों को अगर ध्यान लगाने की क्षमता में धीरे धीरे जब विकास करते हैं तो वह संभव है, सुधार होता है। छोटे समय के लिए इसका अभ्यास आपको लाभ दे सकता है, फल दे सकता है या पहुँचा सकता है। इस तरह से मेडिटेशन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, मन को विचारों को अच्छा कर सकते हैं और एकाग्रता हम पा सकते हैं। आप भी कुछ जानना चाहते हैं मेडिटेशन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब।